अगर देखा जाए थोड़ा सा मैं बना दूं। एक्टिवेशन गेट इसे बोलते हैं एक तरह से, किसका मतलब 3 सोडियम, ऐसे कर 3 लिख सकते हैं या अलग अलग, और इन एक्टिव गेट, एक्टिवेशन गेट। तो इसमें देखा जाए तो आफ्टर स्टिमुलस, इट्स रिलीज रिसीव्ड थ्रेशोल्ड इम्पल्स पोटेंशियल लिख देते हैं। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होता है याद रखना है, 70 से लेके -50, ठीक है, मिली वोल्ट रहता है ना। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट होगा, मतलब कि ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, ये सोडियम अंदर आएगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, इसके जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी तो ये निगेटिव रहेगा ही अभी। यानी कि ये जो चैनल है गेट ओपन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं मिला है क्वेश्चन, कितना सही हो रहा नहीं सर, भी नहीं किया। हाँ है, ला लीजिएगा, तो रिजल्ट भी आ गया होगा। नहीं अभी वेडनेसडे को आएगा। एक लड़की तो मैंने मिलाया था, उसका बायो में था लगभग सारा सही था, 2 गलत था, और केमिस्ट्री में उसका वही था, मतलब कि 150-150 के करीब आ रहा था। ठीक है, कुछ गलती कर दी केमिस्ट्री में, सही उल्टा है। कर अभी दी। इम्पल्स चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इसमें छोटा सा ग्राफ भी बना सकते हैं एक्शन पोटेंशियल टाइम में, कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक्शन पोटेंशियल याद रखने के लिए -70 0 55
तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट था ये, तो हम लोगों के पहला पार्ट जनरेशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। इसके बाद देखे कंडक्शन कैसे होता है, प्रोपोगेशन, यही पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, एक्सचेंज होता जाता है, ठीक है, एक लाइन में कंडक्शन यार प्रोपोगेशन कह सकते हैं। अगर देखा जाए क्वेश्चन ज्यादा अगर आता है तो जनरेशन ऑफ इम्पल्स से आता है, प्रोपोगेशन तो लिखने के लिए एक हो गया, कभी बनाने के लिए। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये देखिए इधर, फिर ये इधर, ऐसे एक्सचेंज होता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में या तो नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ पे, वही चीज, ये पॉजिटिव दो, पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, समझ रहे ना। अब ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, फिर ऐसे आपका एक लाइन से पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो गया, लास्ट में नेगेटिव, इधर नेगेटिव, नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इस तरह से इम्पल्स चलता रहता है। और ये बेसिकली ये जो हम कंडक्शन बताया, दो तरह के कंडक्शन की बात हम लोग किए थे, एक कंडक्शन ऑन नॉन माइलेटेड शीथ और माइलेटेड शीथ। तो ये कंडक्शन के कहाँ का है, नॉन माइलेटेड कंडक्शन ऑन नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, सीट, ठीक है। दूसरा, अगर माइलेटेड सीट में देखा जाए तो इस तरह से उसमें, क्योंकि नोड और एक एंटी नोड या नोड ऑफ रेनिवेयर होता है कह सकते हैं, तो ऐसा रहता है ना इस तरह से, तो ये माइलिनेटेड लेयर है, इतना दूर नहीं रहता, बस मैं बना दिया। दूसरा इसका वाल, अब इसमें इस तरह से होगा, इधर आ गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इस तरह से होगा, इम्पल्स जाएगा, ठीक, तो एक ही डायरेक्शन में होता रहता है बार हाँ बार। यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, जो हमने ऊपर बताया कैसे होगा, एक सेंसरी में क्या होगा, सेंसरी नर्व से सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, मोटर मिक्स में दोनों डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन दो अलग अलग वायर रहेगा, तो वायर मतलब मतलब वही नर्व, मोटर मोटर और उसमें सेंसरी में एक ही डायरेक्शन में होती है, हाँ दोनों डायरेक्शन वही में भी तो नहीं जा सकते, हम यहाँ दोनों डायरेक्शन में हो, मतलब तो कोई रीजन होता है फिर ऐसे। मिक्स हो जाएगा ना, अब दोनों डायरेक्शन में कैसे जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना। और जो नहीं हम पर वो तो जा लोग, सकता है आयंस में, वो नहीं कह रहा कि सिग्नल जाएगा, क्योंकि हाँ न्यूरोट्रांसमीटर तो वहीं से निकलेंगे ना, नीचे वाले पार्ट से। हाँ पर अभी जैसे अब जैसे आपने वो दिखाया पॉजिटिव नेगेटिव की तरह जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरह, तो वापस भी तो आ सकते हैं या नहीं? हाँ वापिस वो तो आ ही जाएगा, वो तो आ ही जाएगा, वो तो वापिस आ ही रहा है ना, प्लस माइनस, वो तो आ ही जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब ये पूरा क्या है जो मैंने लिखा है, ये पूरा माइलिनेटेड का था, कंडक्शन ऑन
यूनाइटेड ठीक। इसमें क्या हो जाएगा इंपल्स, अगर इंपल्स जंप फॉर वन नोड ऑफ एनीवेयर टू अदर, यानी कि 20 टाइम फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड से 20 टाइम फास्टर होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड था रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन क्या होगा वापिस वापस जाएगा। एक तरह, रिपोलराइज रात में अर्थक्वेक आया था, रात को कितने बजे? मेरे पता नहीं बता रहे लोग, मेरे घर से अभी को तो फोन नहीं आया था पता, तो वही तो मेरे मैंने भी को तो बोला ठंड इतनी लग रही थी, मैं तो मैं भी वही बताया होगा, सो गया था मैं, क्या पता अभी फोन आया था, हम क्या अब देखेंगे न्यूज वगैरह तब तो पता चलेगा। ठीक यहाँ पे माइनस 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 ये पोलराइज हो गया, जैसे यहाँ पे ये सोडियम जाएगा तो पोलराइज्ड रेस्ट वाला है, नहीं सारे पॉजिटिव एक तरफ सारे नेगेटिव एक तरफ तो रेस्ट में होगा, ठीक है। पोलराइज तो डीपोलराइज पोलराइज्ड यानी कि एक्शन में होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए सोडियम अंदर आ गया, नहीं तो यहाँ पे कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल जो ऊपर पढ़े थे, एक्शन पोटेंशियल कितना होता है याद रहना चाहिए। हाँ सेवन, नहीं ये तो रेस्टिंग था ना, वो है रेस्टिंग था ना 7, तो -17 मिलीवोल्ट क्या होता है, रेस्टिंग होता है, ये एक्शन वाला होता है। सीडियम चैनल क्या हो जाएगा, क्लोज्ड एंड पोटेशियम चैनल क्या होगा ओपन, यहाँ पे नेगेटिव इसलिए बनता है ना क्योंकि दो दो पोटेशियम जा रहे हैं। हाँ इसलिए तो पॉजिटिव हो जाता है, 3 पोटेशियम जाता, हाँ 2 पोटेशियम जाता है और तीन निकल और जाते हैं, एक तीन पोटेशियम पॉजिटिव। जाता है, उसे ट्रांसपोर्ट करने में कितना एनर्जी लगता है, 3 पोटेशियम ट्रांसपोर्ट होने में, ठीक, और 2 सोडियम, कितना एटीपी एनर्जी कंज्यूम होता है, 1 एटीपी, लिख लीजिएगा मैं लिख दे रहा हूं। तो सिर्फ एटीपी को क्यों बोलते हैं एनर्जी उसी एनर्जी के रूप में करेंसी, मतलब उसी को जीडीपी जीडीपी या फिर वो क्यों नहीं हो सकता? एटीपी में ज्यादा मतलब एनर्जी होता है कंज्यूम, मतलब रिलीज होता है, इसलिए मतलब कि एटीपी जब ब्रेक होता है, ट्रिप्टोफास्फेट होता है ना, एटीपी में ही मतलब
जैसे मान लो कोई चीज एनर्जी आपका है, कोई चीज खा रहे हैं तो उसमें जितना एनर्जी रहता है उतना तो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं? जीटीपी में कम निकलता होगा। जीटीपी में कम निकलता है, और ये जो मतलब कि एडीपी में कम, एडीपी में तो जाता ही है ब्रेक होके। देखिए सोडियम क्लोज हो गया पंप, पोटेशियम पंप ये वाला बता रहे, ये पोटेशियम क्लोज, पोटेशियम पंप, पोटेशियम चैनल ओपन दिखा रहे हैं, खोल इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर सब पॉजिटिव आ जाएगा नहीं? चौथा रिफ्रैक्टिव पीरियड लास्ट, अभी हम इसमें क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है, जो याद रखना है हम लिख देंगे नीचे, रिवाइज करते मेरे हैं को भी नहीं पढ़ना आता है है तो पूरा ठीक समझ में कुछ। है। हाँ तो मतलब अभी लिख दे रहे हैं क्या याद रखना है, ठीक है समराइज करके लिख दे रहे हैं। अब इसमें देखिए तीन चीजें हैं, एक इनिशियली क्या होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड में, इनिशियली तो कह सकते हैं न्यूरोलेमा जो एनपी था, न्यूरोलेमा पोलराइज होगा, लेमा पोलराइज, सोडियम बाहर रहेगा ठीक है, आफ्टर आफ्टर रिसीविंग स्टिमुलस, इट गॉट डीपोलराइजेशन, एंड अगेन रिपोलराइज, बट ड्यू टू पोटेशियम एंड एंड आउटसाइड तो इसमें क्या हो जाएगा, वही रहेगा फिर, पोटेशियम कह सकते हैं, सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम यहाँ पे वर्क करेगा ठीक है, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम बना दे रहे हैं वैसी जो आपसे सोडियम पोटेशियम पंप ठीक, जो गेट होगा मतलब इधर, टू पोटेशियम, अब देखिए अंदर जो सोडियम आया था ठीक है, वो तो एक तरह से डिफ्यूजन से आया था,
जब अंदर से बाहर जाएगा तो उसे एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो पर पोलराइजेशन एक ट्रांसफर होने के लगता है ना, एक एटीपी हाँ एक सोडियम ट्रांसफर के लिए लगता है, फिर तीन के लिए एक लगता है एटीपी। तीन और दो के लिए दोनों, मतलब अच्छा कि एक पूरा एक एटीपी लगेगा, एटीपी एनर्जी अदक से भी लिख दे रहे हैं, 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम, ट्रांसपोर्ट में 1 एटीपी ऐसे। जब रिवाइज करेंगे तो हर एनर्जी की बात करेंगे, हर जगह जितना एनर्जी पड़े है, जैसे क्रोमोसोम को इक्वेटर से 4 ले जाने में कितना, 30 एटीपी हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में 16 एटीपी होता है, सोडियम पोटेशियम में 1 एटीपी होता है, ऐसे हर जगह की हाँ बात एक ही साथ कर लेंगे। दिस टाइम लर्न टू मेक, ये तो नहीं पूछते ना कि एक एक एटी में कितनी एनर्जी होती है। पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक ही टीम में कितनी होती है? कोई बताइए, आप पढ़े नहीं है तो? याद नहीं है। अरे भाई क्वेश्चन तो लगाए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं है? मेरे अरे को एनर्जी वाला याद नहीं है। भाई तो थोड़ा बहुत तो याद रखना ही चाहिए ना। नहीं, C23 इसमें मतलब अगर कैलोरी किलो कैलोरी में देखा जाए ना तो वही होता है, 7.3, 7.1 के करीब होता है, लिख सकते हैं मैंने टीपी में किलो कैलोरी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 1 एटीपी इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी नहीं, यही क्योंकि स्पॉन्टेनियस में तो माइनस ही रहेगा, इतने चलिए आगे चलता। अब हम इसी को क्या चीज याद रखना, थोड़ा सा जितना ऊपर पढ़े समराइज कर दे रहे हैं, यानी कि समरी कह सकते हैं, तो ये चीज आप याद रखिए, समरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स या नर्व कंडक्शन, इम्पल्स कंडक्शन, ठीक। जैसे मान लीजिए पहले पढ़े थे क्या, पोलराइज ना, पोलराइज तो पोलराइज में क्या होगा, सोडियम चैनल क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा, नहीं पोलराइज में सोडियम सोडियम चैनल चैनल पॉजिटिव क्लोज रहेगा, एक साइड में, एक। एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में निगेटिव रहेगा, और रेस्टिंग सॉरी रेस्टिंग पोटेंशियल कितना रहेगा, 17 17 एंड माइनस 17, 17 भी दे देगा आपको, ठीक है, माइनस बताना ना, माइनस में वैल्यू रहेगा, ठीक, दोनों ऑप्शन रहेगा, ये बहुत पूछा अरे जाता है। मिली मिली वोल्ट है ना, तो हाँ मिली वोल्ट, वोल्ट में 0.7 हो जाएगा ना। हाँ चैनल आर क्लोज्ड, ठीक, पहला तो ये इतना याद रखना बस, दूसरा सेकंड डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन क्या होगा, सोडियम चैनल खुल जाएंगे।
माइनस प्लस माइनस माइनस हम्म, उल्टा लिख दिया। ये इसमें सोडियम एक अंदर आ जाएगा, नहीं तो इसमें सोडियम चैनल क्या हो जाएगा? ऊपर और एक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? प्लस 45 टू, रेंज है प्लस 50 मिलीबोल्ट। ठीक, रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड में फिर से क्या हो जाएगा? वापस वही चीज चला जाएगा, और विद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, नहीं कि चैनल वाली बात से। डीपोलराइज में भी एक एक ही टीपी कंज्यूम होता है, इसमें भी कंज्यूम होता है। हाँ नहीं, जो डीपोलराइजेशन है तो मतलब कि आयंस के एक्सचेंज की वजह से परमेबिलिटी जनरेट हो जाता है, ऊपर हमने लिखा था, अच्छा उसमें पैसिव एनर्जी नहीं है। लगता है। हाँ पैसिव है, दो प्रोसेस है ना इसमें, जब वापस आता तब तो एनर्जी लगता है वापस करने में। ये हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे 180p भी लिख दिया। सोडियम पोटेशियम चैनल वर्क करेगा, तो ग्राफ हम लोग बनाए थे उसको भी समराइज कर लेते हैं। कल तो बहुत पॉल्यूशन भी कर दिए लोग, नहीं ले रहा है सर, एक तो गाड़ियां बैन कर दी, बंद एक तो गाड़ियां भी बैन कर रखी है ना, BS3 और BS4 वाली। कर रखे तो कल चलान है कल ना की। उसको 30,000 का। अच्छा तो VS6 आ गया, कौन सा चल रहा? BS6 है शायद नया वाला। उसमें क्या चेंज है पहचान? पोल्यूशन का ही है सर, पोल्यूशन कम करते हैं वो। अच्छा नहीं, BS4 वाले में तो वो था कि एक पहचान हो गया था, तब सुप्रीम कोर्ट लगाई थी ना वही, कि मतलब गाड़ी ऑन करेंगे लाइट, हेडलाइट जल जाएगी। अच्छा ऐसा भी था। हाँ BS4 के वो ऊपर वाले जितनी गाड़ियां हैं उसमें अपने आप लाइट जल, उसे बुझा नहीं सकते आप, चाहे बाइक हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर, आप देखते होंगे जल जाती होगी। ऐसा नहीं, ऐसा वो तो मेरे नहीं पापा की गाड़ी में रहता, भी चलती है, पर वो तो BS4 ही है। हाँ BS4 ही, BS4 से ही लागू हुआ था, उससे नीचे वाले में बंद कर सकते हैं आप एक अच्छा लाइट, वो इसलिए लगाया था गया था एक्सीडेंट रोकने के लिए, जैसे लाइट जलता है ना तो दिन में भी कोई सो रहा हो चेहरे पड़ता तो जल जाता है और वो दूध बहुत खुल। हल्की सी लाइट होती है, वो ऐसा कुछ ज्यादा हाँ नहीं मतलब होता। तभी मतलब मेन रीजन यही था जो रिकमेंड किया गया था कंपनी को, नहीं तो पहले लोग दिन में कोई लाइट जला के तो लोग उसे बताने लगते थे आपके हेडलाइट जल रही है। हाँ सब तो ऑटोमेटिक ही होता है, सब कुछ खुद ही ऑन हो जाता है, खुद ही बंद। वही तो, ये हमने ग्राफ भी बना दिया भाई। जैसे केबल्स तो वहां तक आना चाहिए ना, Peak 45 तक। हाँ वही तक है, मैंने ये कम लग थोड़ा रही है मेरे को। हाँ यार नीचे कर देते हैं।
कह रहे हैं तब मुझे कट करके। ठीक अब हो गया है जुगाड़, पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब ये मतलब कि इतना इंपल्स बहुत है। अब इसमें सिनेप्सिस देख लेते हैं कोर्स में। कैसे मतलब एक दूसरे से जुड़े रहेगा। इसमें सिनेप्सिस का शायद इमेज होगा, मैं देखता हूँ ये जो मेरे। नर्व्स होती है इनके भी अलग अलग नाम याद तो नहीं कर रहे ना सर, हाँ, वो भी याद करने हैं। और क्या, अरे नर्व का नाम तो याद ही रखना, पूरा जितना पढ़ा रहे हैं यार याद ही करना पड़ेगा। ये मैंने लाया, ये आपको, ये देखिए ऐसे रहता है फिगर। ठीक है, तो देख सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम चैनल वाला बात। ये वाली ऐसे ही रहता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये प्रोटीन दिया नीचे है वाला बहुत अंदर सारे। है ना, साइटोप्लाज्म वाला। और ये है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है, एटीपी यूज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। और ये ग्राफ है डिपोलराइजेशन और थ्रेशोल्ड वैल्यू है, रेस्टिंग -17 और ये प्लस जो हमने बताया है अभी डिपोलराइजेशन, इसमें देख सकते हैं तो इनको ये टाइम एक्शन भी। एक्शन पोटेंशियल बस इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इनको बस वो बुझवाना है सिग्नल। स्टार्ट करना रहेगा। और रेस्टिंग पोटेंशियल हाइपर पोलराइजेशन भी यहाँ पे देखिए, कभी कभी एक ग्राफ नीचे कर दिए तो हाइपर पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पे रिपोलराइजेशन होता ही क्यों है? फिर रिपोलराइजेशन मतलब फिर दूसरा अच्छा। जनरेट कैसे होगा। और ये टाइम देखिए मिली सेकंड में टाइम है, जो मैंने बहुत मिली सेकंड में, बहुत फास्ट कुछ कंडक्शन उड़ाता है। होता है, बहुत फास्ट होता है कंडक्शन। तो हमें ये पढ़ना है अभी ये वाला। ठीक है, सिनेप्सिस, ये जो फिगर है सिनेप्सिस यही बनाएंगे। तो बाकी ऊपर तो हो ही गया सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगा एरिया बिटवीन एग्जॉन एंड बल्ब वन न्यूरॉन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। यानी कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी एरिया बिटवीन एग्जॉन एंड बल्ब आप वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट, मतलब डेंड्राइड और जो एग्जान जुड़ने को ही बोलते ना, कैसे जुड़ेगा। बीच का गैप होता है उसको कहते हैं ना सिनेप्स को। हाँ, उसमें मतलब जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है तो एग्जान है, मतलब ये एडेंड्राइट है। चिपकी होती हैं। हाँ, चिपकी रहते हैं, इसमें फ्लूड भी भरा रहता है बहुत सारा। अभी बना रहे हैं, दो तरह के यहाँ पे कंडक्शन होता है, ये दो टाइप के कंडक्शन होता है, एक केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, दो तरह का होता है। ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे में तो वो होता ना केमिकल। अच्छा दोनों होता है, हमारे के ही बात कर रहे हैं। सर, वो मक्खियों में वो होता है ना इलेक्ट्रिकल, सिर्फ तभी उड़ जाती हैं वो। केमिकल सिनेप्सिस हम लोग, हम दोनों होता है, ये हम लोग ह्यूमन का ही पढ़ रहे हैं।
इलेक्ट्रिकल इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत लंबा है या बहुत बड़ा है तो उसके तो रिफ्लेक्सेस कम होने चाहिए हिसाब से। हाँ होता है, ये कम होता है। आप यहीं भी देखिए, थोड़ा सा जो फैटी रहता है उसका भी रिफ्लेक्स थोड़ा बहुत कम ही रहता है इन कंपेयर टू थिन पर्सन। उनको देर में गुस्सा आती है, लेकिन आती है तो बहुत आती है। देखिए, आपके मोटे दोस्त होगा उसको बहुत लोग परेशान करते होंगे, कहीं गुस्सा तो नहीं होगा जल्दी, लेकिन जब गुस्सा आ जाएगा तो बहुत पूरा हिला देगा। रिक्वायर। ठीक है, सिनेप्टिक आपके वो सर फोन किए थे एक दिन। रिक्स वाले सर क्या कह रहे थे? कह रहे थे दोनों आर्यन कैसे कर रहे हैं, लेकिन ठीक कर रहे हैं, तो पूछने लगे कौन ज्यादा बेटर कर रहा है। वारेन बता रहा था शायद कि सर ने नंबर लिया, सर आपको फोन करेंगे। उसका तो थोड़ा बोर्ड का तैयारी करवा रहे हैं। तो उसको तो वैसे कराते होंगे ना आप उसमें आजकल थ्योरेटिक रिटर्न, हाँ टेस्ट दे रहा है, रिटर्न। 1 महीने 1 महीने टेस्ट दे रहा है वो बेचारा। जाते बैठे बैठते टेस्ट देता है। तो जब आप रिवीजन लोगे तब तो आप टेस्ट भी तो लोगे टेस्ट अलग से या नहीं? क्या मतलब कि क्वेश्चन से रिवाइज, क्रैश कोर्स टाइप का कराएंगे, रिवीजन क्वेश्चन से कराएंगे, थ्योरी उल्टा। यहाँ पे हेलो, क्वेश्चन दिखेगा, प्रवास हाँ कट गया क्वेश्चन आपका। कह रहे हैं, क्वेश्चन से थियरी कराएंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन से थ्योरी? अच्छा, मतलब आप क्वेश्चन दोगे फिर आंसर के हिसाब से। यहाँ स्क्रीन पे रहेगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि जैसे टॉपिक पढ़े उसी के टाइप के अरेंज रहेगा, हाँ टॉपिक के हिसाब से। टेस्ट तो आप लोग इसे ही, संडे संडे आपका टेस्ट है, वहां देखे जाए आप तो एकदम फ्रैंक हो जाएंगे। वैसे क्या बहुत हो है, जाएंगे? अरे अच्छा मतलब कि अच्छे हो जाएंगे, मतलब आदत पड़ जाएगी अगर संडे संडे टेस्ट दे। हाँ प्रीवियस ईयर वाला हम लोग टेस्ट टाइप का बोलेंगे आपको, जैसे मैंने डिस्कस कर लिया, हाँ उसके बाद क्वेश्चन दे देंगे, आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब पढ़ने के बाद क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे वही बढ़िया रहेगा। अब देखिए, इसी को हम बना के थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक, केमिकल सिनेप्सिस पहले, और इसमें इम्पल्स कैसे, और केमिकल सिनेप्सिस और इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस मतलब मिक्स थोड़ा टाइप का रहता है इसमें। केमिकल ही मेन एक तरह से समझाना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक तो आ जाएगा केमिकल। तो आप देख सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इसमें भरे रहते हैं, लाइंड गेट चैनल क्लोज्ड होता रहता है बहुत, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर भी है छोटे ये हरे वाले, और फोटोसिंथेटिक, हाँ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है यहाँ पे। वोल्टेज गेट इसमें कैल्शियम चैनल यूज होता है, ये याद रखना है, तो कैल्शियम का भी काम है यहाँ पे। ठीक है, सिनेप्टिक एंड बल्ब है, ठीक इसी कैल्शियम को का क्या हम काम है सर? कैल्शियम कैल्शियम का काम क्या है? मतलब यहाँ पे कैल्शियम मतलब ट्रांसमिट होता है एक तरह से, ये चैनल के रूप में ये पार्ट पार्ट छोटे छोटे हैं, जैसे ये ड्रॉप देख रहे हैं, ये यही यही न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होगा कैल्शियम आयन के रूप में। कैल्शियम बाइंड कर देता है एक इनर कैल्शियम प्रिंट, आयन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? हाँ मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर कैल्शियम आयन ही रहते हैं एक तरह से,
बाइंड टू इनर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइनर होते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में लिख रहे हैं, कैल्शियम आयन ही रहते हैं इसमें, ठीक। तो इसको थोड़ा सा बना के बता दे रहे हैं एक बार। जैसे नेम यहाँ पे थोड़ा जरूरी है, ऐसे तो हम केमिकल सिनेप्सिस बनाने जाने हैं, ठीक। तो जैसा ऊपर है कि आप देख ही सकते हैं, ऊपर वाला चीज क्या है, एक्जॉन बनाने जा रहे हैं, एक्जॉन हो गया, नहीं। और नीचे अगर देखा जाए तो ये डेंड्राइट हो जाएगा, नहीं। तो इसमें देखा जाए तो बहुत सारे इस तरह से चैनल के रूप में रहेंगे, और इसमें बहुत सारे वेसिकल्स रहते हैं जिसे हम सिनेप्टिकल वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक, वेसिकल। और अगर देखा जाए 2000 टू 10,000 ENT रिलीज होते हैं, और ये पूरा जान ही रहे क्या है, एग्जॉन बल्ब है। एग्जॉन एंड बल्ब लिखा जाता जाते सही। और ये जो हमने चैनल बनाया है, वोल्टेज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम आयन चैनल, ठीक। ये वाला पूरा पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लिप्ट बोलते हाँ हैं, सिनेप्टिक क्लिप्ट। और ये कितना लेंथ होता है, माइक्रो 1 माइक्रोमीटर 10 से 20 नैनोमीटर होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर है। और इसमें देखा जाए तो ये वाला पोर्शन क्या है, डेंड्राइट है, और इसमें बहुत सारे कीमोरिसेप्टर टाइप रहते हैं, इसमें बहुत अजीब अजीब से शेप के रहते हैं। तो ये कीमोरिसेप्टर वो भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने पोटेशियम चैनल बता दिया, ठीक है, ये राउंड वाला सोडियम चैनल बता दिया, ठीक। और ये सब क्या है, एक तरह से कीमोरिसेप्टर ही है, रिसेप्टर मतलब केमिकल रिसेप्टर जो होंगे। तो अगर देखा जाए इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये तो नेम याद रखने के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग कंडक्शन कैसे होगा, ऑफ इंपल्स, थ्रू केमिकल सिनेप्सिस, ठीक। फिर से हम वही बना रहे। इसमें देखा जाए बहुत सारे वेसिकल्स रहेंगे, बड़े 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 रहेंगे, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चैनल हैं,
नहीं, सेम चैनल है और इसमें फ्लूड भरा रहता है सिनेप्टिक क्लिफ्ट में, तभी केमिकल ट्रांसमिशन होगा। अब इंपल्स समझ लिए, यहाँ पे आया ऐसे वेसिकल्स में जाएगा। अब ये इधर ओपन हो जाता कैल्शियम आयन अंदर जाता है सब। और इसमें इसमें एसिटल कोलीन होता है, ये पार्ट में ACH होता है, ये आपको चेंज हो जाएगा दो पार्ट में, एक कोलीन में और एक एसिटिक एसिड में, दो पार्ट में। ये दोनों आपको फिर मिलेगा यहाँ पे, दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक यानी कि एसिटिलीन है। हाँ कोलीन है, एक एसिटिक एसिड है, एस्टल कोलीन रहता है, और एस्टल कोलीन एस्टरेज एंजाइम के वर्क करने से, ठीक है। तो इसमें बाकी अभी हम नीचे लिख दे रहे हैं, तो ये चैनल जान ही रहे हैं किसका, कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर है। जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम चैनल बोला था चैनल, और जो ट्रायंगुलर शेप में बना रहा हूँ ये पोटेशियम चैनल है, ये सब रिसीव करेगा तो नर्व इम्पल्स, ठीक। मतलब किसके रूप में, वही सोडियम पोटेशियम का चेंजेज हो जाएगा ना, अंदर सोडियम आ जाएगा, निगेटिव कंडक्शन स्टार्ट करेगा ऐसे, जैसे हम लोग पढ़े थे ऊपर। तो इसमें वही लिंक प्रोसेस होगा पूरा। हाँ वही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे जो मेनली ऊपर बने बनाया उसको हम लिख दे रहे हैं, यानी कि पहले क्या होगा, इम्पल्स इम्पल्स एग्जॉन एंड बल्ब बल्ब में रीच करेगा, रीचेज एग्जॉन एंड बल्ब। तो वहां से क्या होगा, कैल्शियम आयन चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यही ना। पहले तो हाँ मतलब कैसे ओपन होगा, ओनली देखा जाए तो कैल्शियम आयन मोर इन साइड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रहेगा, यानी कि कैल्शियम आयन मोर इन साइड सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के साथ। फिर दूसरा स्टेप में क्या होगा, कैल्शियम आयन ट्रिगर ट्रिगर करेगा और रेप्चर करेगा, क्या रेप्चर ऑफ वेसिकल्स, जो वेसिकल्स होगा उसको क्या करेगा, फोड़ देगा, टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। थ्रू किस प्रोसेस, इसे ब्रेक करने को क्या बोलते हैं, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो कौन बनाता है? सेल। सेल बनाते हैं। हाँ सेल, सर तो वेसिकल मतलब दिया, मतलब ये वो पैकेज करता है गोल्गी हाँ अपरेटर। वो मतलब कि मतलब वही न्यूरोप्लाज्म रहता है ना, न्यूरोप्लाज्म भरा रहता है, तो ये एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, कैल्शियम आयन ट्रिक करेगा ना उस पे तो फूट जाता है, ठीक है। तो तीसरा क्या था, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है, बाइंड करता है, बाइंड्स टू कीमो रिसेप्टर। तो ऑन पोस्ट सिनेप्टिक
मेम्ब्रेन। चेंजेस परमेबिलिटी, परमेबिलिटी चेंज हो जाएगा। अब फोर्स्ड सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दस एन इंपल्स इज इंड्यूस्ड होगा इन लेटर पार्ट। अब फिफ्थ देखा जाए तो फोर्थ ने अब इसमें द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीजेज इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। हैज टू बी रिमूव अदरवाइज वुड बी कंटिन्यूअस बाइंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग इम्पल्स। ठीक है, फिफ्थ जो एंटी न्यूरोट्रांसमीटर आर डीकम्पोज थ्रू एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज किए थे ऊपर मैंने लिखा था अभी? लाइसोजाइम नहीं, एस्टल कोलिन, हाँ मतलब एसिटल एस्टर कुछ एसिटाइल कोलिन होता है, ACH बोलते हैं इसको। ठीक, तो ACH पे अगर देखा जाए तो एस्टल कोलिन एस्टरेज एंजाइम यूज होता है और से ब्रेक कर देता है एसिटिक एसिड प्लस कोलिन को, कोरिन तो पार्ट में ब्रेक कर देता है। अब इफ न्यूरोट्रांसमीटर इज एड्रेलिन, अगर मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ये एंजाइम दो कंडीशन में हो रहा है, इफ एंटी इज एस्टल कोलिन तब ये, दूसरा इफ ये के हो गया पार्ट, दूसरा इफ न्यूरो ट्रांसमीटर इज एड्रेनिन, एड्रेनिन भी एक तरह से न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। ठीक, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा एड्रेनिन का। एड्रेनिन ब्रेक डाउन होता है तो क्या ब्रेक क्या रिलीज होता है? हाँ, एड्रेनल ब्रेक डाउन होता है अगर मान लीजिए, वैसे तो एक ही दिया है। हाँ, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट तो बताइए क्या होता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरेपिनेफ्रिन, दो ब्रेक होता है ना आगे दोनों जगह। हाँ, ये ब्रेक डाउन होता है बेसिकली एड्रेनल कैटाकोलिन में बोला जाता है ना, तो एड्रेनल ब्रेक डाउन तो एंजाइम, तो इसमें बहुत सारे ब्रेक डाउन होंगे ना, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन लिख ही देते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन प्लस एपिनेफ्रिन
और भी हो सकते हैं, बहुत छोटे सेरोटोनिन भी होता है, पर अलग अलग मतलब रहता है। एंड डोपामिन भी कभी कभी होता है। ठीक है, ऐसे ब्रेकेट वाले लिख लीजिए। इसमें एंजाइम रहता है, ये रहता है मोनो अमीन ऑक्सीडेज, मोनो अमीन ऑक्सीडेज। ठीक, तो ये तो मतलब इंपल्स का, तो हम लोग दो तरह से पढ़ चुके थे, एक इलेक्ट्रिक है केमिकल। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें सेंसरी भी कुछ है, छोटा मोटा आई है, ईयर है थोड़ा सा। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन केमिकल सिनेप्सिस और कौन से, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस, नहीं एंड इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस सिनेप्सिस। तो केमिकल सिनेप्सिस तो हम लोग पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक में डिफरेंस में पढ़ लेते हैं। जैसे इधर केमिकल सिनेप्सिस, इधर इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। ठीक, तो केमिकल सिनेप्सिस में जैसे पहला सिनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है, और सिनेप्टिक क्लिफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लिफ्ट कैसा होता है, इसमें तो हमने अभी बनाया था फिगर, ऐसे रहेगा, यहाँ बीच पर में गैप, केमिकल रहेगा ना, है? और वो फ्लूड भी होता है सिनेप्टिक हाँ, में। फ्लूट हो गया, और ये फ्लेयर वेव 10 से 20 नैनोमीटर होता है। और इसमें देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल अगर देखा जाए तो वही पॉजिटिव नेगेटिव जो चेंजेज हो रहा था वही होगा ना। अब एक पार से दूसरे पार में देखा जाए तो केमिकल सिनेप्टिक, और इसका ये जो लेयर होता है बहुत कम होता है, 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, और इसमें वही एक्सॉन माइलिनेटेड बना दे रहे हैं, जंप करके जाता रहेगा, जंप करके जाएगा, इधर जंप कर जाएगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें लैग कितना होता है, 0.5 मिलियन सेकंड, मतलब कह सकते हैं स्लोअर एक तरह से। इसको स्लोअर बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे नो लैग। 0.5 मिलीसेकंड। ये तो फास्टर। ठीक, तो पर अगर ये फास्ट होता है तो हाँ, यही क्यों नहीं यूज करते सारे, मतलब कौन यूज करते, कहने यही क्यों नहीं मिलते हैं आते हो? ज्यादातर हम लोग दोनों मैकेनिज्म चाहिए, मान लीजिए फेल हो गया तो। तो फेल तो ये भी हो सकता है, तो कुछ कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना इसका, केमिकल वाले का। हेलो, आइटम नेचर रहना चाहिए ना, दोनों रहता है। ठीक है, अब से मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर ये नो लाग, अगर ये लैग नहीं हो तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, ज्यादा बेटर फास्ट रहता है ना, जैसे तो यहाँ कुछ वो फास्ट भी तो होगा, इंपल्स इसका की कुछ जगह। ड्रॉबैक, इसलिए तो शायद। हाँ, ड्राइवबैक तो रहता है ये।
कावट ज्यादा होती है? इसलिए कावट हैं। ज्यादा होती है। सर जैसे हमारा ब्रेन होता है वो भी न्यूरॉन से बना है, तो उसमें तो नहीं होता होगा ना सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स? होता है सर जब न्यूरॉन जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ने को है ना, हर नहीं, ज्वाइंट नहीं पे होगा। मतलब केमिकल वाला नहीं होता होगा ना, वैसे वाला होता होगा क्या दोनों ब्रेन रहता है इसमें, मतलब में? ज्यादा ब्रेन में भी। अच्छा कंडक्शन देखे यहाँ पे, इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, तो और तुम्हारा यहाँ पे क्या दिमाग होगा। सोच लेता है फॉर एग्जांपल, वो भी न्यूरॉन से बना है, तो हमारे जो मोटर न्यूरॉन वगैरह वो खुद क्यों नहीं सोच सकते? तो वहां पे मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है ना, मतलब वही मोटर न्यूरॉन वगैरह का ही एक तरह से, जैसे नर्व मेनली रहता है ना, तो वो तो दूर दूर रहता है। जैसे मान लीजिए बंच, जैसे आप गैंग्लियन बनाना, तो क्या है एक बंच है, तो जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अर्थवर्म का, तो वहां पे न्यूरॉन का ही एक मतलब क्या है कंसंट्रेटेड पार्ट था, वही ब्रेन बना, तो वही कॉम्प्लेक्सिटी रह जाता है ना। जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, आप रेडियो वगैरह में देखते हैं, रहता तो वही वायर है ना, जैसे आप देखते हैं जैसे फैन चल रहा है, जैसे कॉपर वायर है। समझ रहे हैं, कॉपर वायर ऐसे बड़ा सा लगा दे जाए तो कंडक्शन का काम कर रहा है। वही अगर हम सर्किल में कहीं अच्छे से उसको, जितना मतलब उसमें नोड होता है, घुमा घुमा के बना देते हो, आपको मोटर बन जाता है, बन जाता है ना, तो चलने चलाने का काम करने लगता है। और वही तार हमारे पास, जैसे मान लीजिए कहीं वायरिंग कर रहे हैं, वही आपने 10 वायर एक जगह लगा दिया, तो वो उसका तो नहीं मतलब चला रहा ना, ऑटो मोटर नहीं हुआ ना, नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहा। जैसे मान लीजिए वही कॉपर का वायर ही क्या होता है, आप मतलब जो मोटर वाला देखे होंगे खोल के कभी, वो तो कॉइल तो होता उसमें है ना? क्या, हाँ तो वही कॉयल बन जाता है, हाँ वही तो रहता है वायर, तो वही रहता है ना, हाँ तो वहाँ कंसंट्रेटेड में रहता है, लूप में रहता है, ऐसे ब्रेन अच्छा, तो है। आप कह रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन की बात होती है। हाँ मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा है उसके, कंसंट्रेटेड इसे है। पर फिर भी मतलब थोड़ा बहुत खुद ही सोच लेना चाहिए ना इसको। हाँ नहीं तो उतने सोचने लायक बनाएंगे तो वहां पे सोच सकता है, हाँ अगर लेकिन खुद उतना सोचने लग रहता है गया तो ना। फिर वो डीजे हो जाएगी कोई। हाँ तो उस तरह का मतलब बंच नहीं रहता है ना, उस तरह का मतलब उसका स्ट्रक्चर नहीं रहता, रहता तो वही सारी चीजें, ठीक है। वैसे न्यूरॉन वो भी नहीं करते ना ग्रो वापस, या फिर मतलब रिपेयर अपने आप? नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मतलब उसमें वो नहीं होता, न्यूक्लियस लेस होता है, रिपेयर नहीं होता है। तो न्यूक्लियस होता था वहां पे? हाँ हाँ वो न्यूक्लियो प्लाज्म में पूरे पार्ट में नहीं रहता है ना। पूरे पार्ट में नहीं, मतलब अगर डेंड्राइट टूट गए तो वो रिपेयर कर सकते हैं? हाँ वो तो करते हैं, लेकिन मतलब बहुत फंक्शन मतलब वो नहीं चलता है, क्या नाम है, बहुत काम का नहीं रहता है, क्योंकि वो मतलब रीजनरेशन पावर बहुत कम होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है भाई, बहुत सारे फंक्शन अभी पते नहीं है। कोई नहीं सर, बाद में पता लग जाएंगे। 100% ब्रेन लॉक करना है क्या। एक मूवी है लूसी, देखे हैं कौन सी? लूसी। लूसी उस उनकी स्कारलेट जॉनसन की? हीरोइन का नाम नहीं जानते भाई, जिनके ब्लॉन्ड हेयर हैं वही ना, इनके हैं जो हीरोइन के ब्लॉन्ड हेयर हैं, ब्लॉन्ड शायद ब्राउन ने। हाँ नहीं, ब्लॉन्ड हाँ ब्लॉन्ड गोल्डन जैसे। हाँ शायद वही। अरे वो नहीं न्यू से, मैन नहीं से दिखाता देखा है, नहीं है। हाँ क्या है इसमें? उसमें 100% ब्रेन उसका नॉक हो जाता है, किसी का ब्रेन 100% वर्क करने लगा, जैसे आइंस्टीन वगैरह का 5% करते हैं ना, उसका करने लगता है।
उसको एक केमिकल CD4 केमिकल होता है ना, मतलब ड्रग्स होता है, तो वही देखिएगा। अच्छा है मूवी, बहुत पुरानी हो गई। एक नंबर सर। उसमें ड्रग्स सप्लाई करते हैं ना, तो उसके स्टमक में डाल डाल के सप्लाई करते हैं, मतलब सिल सिल दूसरे कंट्री में। तो उसका किसी ने मार देता है पेट पे, तो उसका ड्रग्स लीक हो जाता है, तो उसके नर्व मतलब ब्लड में ड्रग्स घुल जाता है, तो इससे उसका ब्रेन 100% वर्क करने लगता है। ये कौन सा ड्रग है, ऐसे मैं भी ले लूं? अरे हो, मतलब काफी एडिक्टिव, CD4 नाम से ड्रग्स होता है, हार्मोनल ड्रग्स हो, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होता है। मतलब कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक, तो ये सारा चीज इसमें था। तो अगर इसमें देखा जाए, जो आप बत वही स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, थोड़ा सा इसके बाद अगर, तो कह सकते हैं फास्टर रहता है इसमें, माइलिनेटेड नहीं, फास्टर ऑन माइलिनेटेड नर्व, कितना 45 मीटर पर सेकंड। ठीक, यानी कि 20 टाइम हमने ऊपर लिखा ही था, फास्टर देन एच कंपेयर टू नॉन माइलेज ऊपर लिखा था। तो डायमीटर देखा जाए, मीटर अपना ठीकर नर्व यानी कि फास्टर एक तरह से कंडक्शन। एग्जाम्पल जैसे स्क्विड हो गया, एयरथवर्म हो गया, टेम्परेचर प्रेशर pH वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो इसको ये पार्ट हम लोगों को हो गया, अब सेंसरी ऑर्गन पढ़ना है। ठीक है, इसमें नर्व वाला हो गया है। हाँ ना था नर्व वाला। ठीक है, अब सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? सेंसरी बता सकते ऑर्गन हैं सात कौन कौन से? टच, स्किन हो गया, स्मेल, हियरिंग, लिसनिंग, कितने बता दिए मैंने? टेस्ट, पता नहीं। ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज सेल होता है ना, सेल विच क्या करते हैं, रिसीव स्टिमुलाई ना, कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे मतलब मतलब एंड पॉइंट पे होंगे ये, मतलब ये पूछ रहे हैं सेंसरी ऑर्गन होते कहाँ हैं।
आईज पॉइंट पे, में, नोज में, कहीं पे ईयर्स में, स्किन पे भी हो टंग सकते में, हैं। तो इनमें। क्लासिफिकेशन भाई, सेरिंगटन, सेरिंगटन ने इसको इस तरह से क्लासिफाई किया था, रिसेप्टर, रिसेप्टर के रूप में, जैसे आप बता रहे हैं उसे टेक्निकल नाम से हम बता रहे हैं। तीन तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया था। एक तो एक्सटर्नो रिसेप्टर, एक्सटर्नो रिसेप्टर, देखिए ये बहुत टेक्निकल नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं ठीक है, लेकिन आगे हम पढ़ाने के लिए बता दे रहे हैं। प्रोपीरियो, बीच बीच में आएगा टर्म, प्रोपीरियो रिसेप्टर ठीक, और इंटेरो रिसेप्टर ठीक, इंट्रो रिसेप्टर ठीक। तो अगर देखा जाए एक्सटर्नल रिसेप्टर क्या करता है, डिटेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसा नाम है नहीं, डिटेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और अगर देखा जाए प्रोपीरियो रिसेप्टर, लोकेट इन टेंडन लिगामेंट में रहता है, लोकेटेड इन टेंडन लिगामेंट ठीक। और इसका नाम ही है इंटीरियर रिसेप्टर, यानी कि इंटरनल रिसेप्टर को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, मतलब ये पोजीशन के बेस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया है, इंटरनल स्टिमुलाई नहीं। अब एक्सटर्नल रिसेप्टर जो आप बता रहे थे, साउंड हो गया, लाइट हो गया, फोटो रिसेप्टर हो गया, टंग हो गया ठीक है, तो हम इसको पूरा क्लासिफाई कर दे, काम का चीज है, बस एक सेकंड लगेगा। नाम जैसे आप बता रहे थे, और एक्सटर्नल मेनली आप बता रहे थे, सारा जो गिनाया आपने, तो अगर देखा जाए फोनो रिसेप्टर क्या होता है, फोनो, फोटो फोनो रिसेप्टर, होना चाहिए। अच्छा, फोनो भी हो जाएगा। फोनो तो लिसनिंग वाला, सुनने वाला। मतलब कि साउंड या ईयर कह सकते हैं। फोनो, आजकल फोनो तो बहुत काम है, फोटो रिसेप्टर नहीं। आईज अब फोटो ज्यादा या लाइट। काम हो गया, लाइट और आई हो गया। और बताइए। गैस तो रिसेप्टर जानते हैं, गैस्ट्रो रिसेप्टर नहीं जानते, टंग, गैस्ट्रो रिसेप्टर होता है ना टंग, ऑल्फेक्टो रिसेप्टर तो जान ही रहे, बताइए ऑल्फेक्टो रिसेप्टर, स्मेल हो गया भाई। और थगमो रिसेप्टर, पहले हम लोग टाइम में बहुत पूछता था, थगमो रिसेप्टर, टंगो रिसेप्टर कह सकते हैं, पहले बता सकते हैं।
पेन हो गया, टच हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब। प्रेशर स्किन पे, ठीक है। पेन हो गया, टच हो गया, ये रिसेप्टर काम करता है, ठीक है। गेयो रिसेप्टर, मेंटेन पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी, मेंटेनिंग मतलब जियो रिसेप्टर है ना, पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी। हेलो। हाँ सर, अच्छा, इलेक्ट्रो रिसेप्टर, इलेक्ट्रो रिसेप्टर नाम से ही है, सब नाम से है। हाँ, टॉक लिखने का। चार्ज डिटेक्शन है। ठीक है, एक और लास्ट लिख लेते हैं, रियो रिसेप्टर। रियो रिसेप्टर जानते हैं, वाटर करंट जो होता है, वाटर करंट, ठीक। तो इतने मतलब एक्सटर्नल रिसेप्टर हैं, ठीक। ये सब टर्म बीच बीच में आएंगे तो हम एक जगह लिखते रहें, ठीक है। और इंटेरो रिसेप्टर में देखा जाए, प्रोपीरो रिसेप्टर, तो उसे में मिला जुला मिल गया आएगा। इंटेरो रिसेप्टर का बता सकते हैं थोड़ा सा, ये वाला इंटेरो रिसेप्टर में दो तीन है इम्पोर्टेंट, वही लिख दे रहे हैं। तो एक तो है स्टेटो रिसेप्टर, बीच में है, बता सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टेटो रिसेप्टर, ये तो बहुत, ये तो है सिलेबस में, स्टेटो रिसेप्टर। अरे स्टैटिक पोस्चर बॉडी, जैसे ईयर क्या काम करता है, स्टेटो अकोस्टिक दोनों काम करता है ना, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। और बेसिकली इनर ईयर होता है, इनर ईयर बैलेंसिंग का काम करता है ना अपना, मतलब क्रिस्टी एंड मैकुला आप कहते हैं, आगे ही पढ़ लेंगे। और दूसरा बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर, बैरो मतलब, बैरो किसका यूनिट होता है, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का ना, तो बैरोरिसेप्टर प्रेशर चेंज, चेंज डिटेक्ट करता है। और जैसे कैरेटॉइड बॉडी होता है, डिटेक्ट चेंज इन प्रेशर, टॉइड बॉडी डिटेक्ट चेंज इन बीपी, जो वही ब्लड प्रेशर वगैरह चेंज होता है। एक लास्ट इसमें बेसरो रिसेप्टर, बेसरो मतलब जो बेसरल आर्गन पे होता है, वेस्रो रिसेप्टर, जो बेसरल आर्गन पे होता है, यानी कि कह सकते हैं इन बेसरल आर्गन।
ठीक है। समझ रहे हैं? अब ये देखिए, अगर देखा जाए तो स्किन पे बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं ना, अलग अलग अगर स्टडी किया जाए। तो स्किन पे बहुत सारे रिसेप्टर होंगे, जैसे थोड़ा सा हम लोग स्किन रिसेप्टर की बात कर लिया जाए। स्किन रिसेप्टर, वैसे तो बेसिकली हम लोग सिलेबस में आई और ईयर है, मैंने दो ही दिया इस चैप्टर में, पहले एक चैप्टर ही होता था, लेकिन इसमें कुछ कुछ टर्म आपको मिलेंगे, स्किन रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर, कैलोरी, बहुत सारा मिलेगा। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ऐसे हो गया, तो गैस्ट्रो रिसेप्टर हो गया, तो फोटो रिसेप्टर, तो आपका आई ही आ जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हेलो। तो बताइए, ये बता दें स्किन रिसेप्टर, एक एक वर्ड लिखाएंगे बस, ज्यादा नहीं, टर्म है केवल, इसको स्किप कर सकते हैं, योर चॉइस। बता दो फिर। इसे वैसे तो देखा जाए तो अलग अलग डिटेक्शन ही रहता है, जैसे मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं, इसमें तो पूरा बनेगा नहीं, फिर भी कोशिश। ABCD, एक जैसे टंगो रिसेप्टर होता है, टंगो रिसेप्टर, टंगो रिसेप्टर, ये बेसिकली स्किन पे होता है, ये डिटेक्ट करता है क्या, टच, कोई टच करता है तो ये रिसेप्टर होता है, डिटेक्शन। कोई टच करता है उसको स्किन पे तो यही रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं? दूसरा देखा जाए, बास्केट नर्व एंडिंग एक रहता है बहुत, जैसे हेयर फॉलिकल वगैरह पे, नर्व बास्केट वगैरह, हेयर फॉलिकल, जैसे छूने से भी पता चल जाता है ना थोड़ा सा, वैसे इसी में टंगो रिसेप्टर में ही ये आएगा बेसिकली, अलग अलग तो कह सकते हैं। टंगो रिसेप्टर कैसे होता है, एक बास्केट नर्व एंडिंग होगा, बास्केट नर्व एंडिंग, तो ये बास्केट नर्व एंडिंग कहाँ पे होगा, अराउंड द हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल के पास होगा, जहां पे डेंड्राइट हेयर निकलते हैं ना, वहीं पे, जैसे ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ से हेयर फॉलिकल ऐसे निकलता है, वहीं पे रहता है ये वाले पोस फॉलिकल। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, मिजनर कार्पोसेल पाया जाता है, मिजनर कार्पोसेल स्किन में, तब हेयर फॉलिकल के तरह, अगर इसको बहुत पहले पूछते थे, मिजनर कार्पोसेल, और मिजनर कार्पोसेल डर्मिस पे होगा, और मेनली अगर देखा जाए लिप पे होगा, ठीक है, और फिंगर टिप पे होगा, ठीक है, यानी कि कहाँ पे पाया जाएगा, कह सकते हैं डर्मिस पे होगा, इन डर्मिस होता है,
और बेसिकली आन लिप्स हो गया और फिंगर टिप वही। तो दूसरा इसमें मार्कल सेल पाया जाता है, मार्कल डिस्क कह लीजिए, डिस्क शेप रहता है। और ये पहले ये भी बहुत आता था, कहाँ पे पाया जाता है, ये इपिडर्मिस, इपिडर्मिस पार्ट में। फिगर भी इसका रहता है, ऐसे पेड़ की तरह एकदम दिखता है, ऐसे ऐसे डिस्क इतना बना लीजिए, थी डिस्क से। इसमें इसमें जैसे एक होता है गोल्जी मजोनी, ये कभी आया नहीं है, मजोनी कार्पोसल, लेकिन ये सब क्यूटिनियस जोन पे पाया जाता है, जैसे फिंगर पे सब क्यूटेनियस जोन ऑफ फिंगर, फिंगर के सबक्यूटेनियस जोन। तो ये सारे मतलब अगर देखा टंगो रिसेप्टर है, ठीक। इसी तरह से देखा जाए तो हम लोग पास दूसरा रिसेप्टर आ जाएगा स्किन का ही, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं, कौन सा? थर्मो रिसेप्टर, नाम से लग रहा है स्किन जलता है तो पता चल जाता है ना, मतलब डिटेक्ट क्या करेगा? अब बोथ वार्म, वैसे मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, एक बार फिर ठीक से है, बताना क्या बता रहे हो अभी आप। ये थर्मो रिसेप्टर वार्म एंड कोल्ड, कोल्डनेस। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं हाँ वो तो टेम्परेचर मतलब चेंज कर लेते हैं ना। टेम्परेचर हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिनेट कर जाते हैं या मतलब एस्टिवेट कर जाते हैं, जैसे हाइबरनेट वो करते हैं वार्म ब्लडेड। दोनों हाइब्रिनेट, मतलब कि वार्म ब्लडेड नहीं, हाँ मतलब कि जैसे मैमल्स करते हैं कि ना हाइबरनेट, तो मैमल्स तो सारे वो होते हैं वार्म ब्लडेड। जैसे एम्फीबियन है वो तो हाइब्रिनेट भी करता है, एस्टिवेट भी करता है, मेढक के बरसात एम्फीबियन भी में। करते हैं हाइबरनेट। और क्या है उसका एग्जाम्पल में, एम्फीबियन जो मेढक है आजकल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, जब बरसात में केवल दिखाई देंगे हो। अच्छा मेरे को लगा वो छिप जाते हैं। तो दोनों काम करते हैं, हाइब्रिनेट भी करते हैं, एस्टिवेट भी करते हैं, और उनका रिस्पायरेशन भी चेंज हो जाता है, कम मतलब कंजम्पशन में ही काम चला लेते हैं, हाइब्रिनेट कर देते हैं बहुत सारे। हाँ चिपकलियां भी कर जाती हैं फिर तो। अच्छा बहुत कम करते हैं। तो जैसे इसमें दो हो गया, एक कैलोरी रिसेप्टर हो गया, एक प्रेगडो रिसेप्टर कह सकते हैं जो कोल्ड का काम करता है, कैलोरी रिसेप्टर। ठीक, मतलब इसमें कह सकते हैं वार्म का, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसमें रेफिनेस एंडिंग का इसमें होता था, वो नहीं लिख रहे हैं टेक्निकल टर्म। और दूसरा नाम ही से लग रहा है, फ्रीज बना है, फ्रेगिडो रिसेप्टर। तो ये कोल्ड को डिटेक्ट करेगा बस। ठीक, तो दूसरा देखा जाए तो इसमें जैसे कभी कभी पेन का नर्व एंडिंग वगैरह होता है, इंजरी होता है, तब का बात करते हैं। तो एल जी
रिसेप्टर होता है, तो उसमें कर जैसे पेन हो गया, हर फ्री नर्व एंडिंग होता है इसमें, पेन फ्री नर्व एंडिंग, ठीक है। और एक कहाँ पे पाया जाता है, डीप इपिडर्मिस में, जब चोट लग जाती है तेजी से तब पेन होता है ना। और एक इसी में होता है कि इसी से मतलब सब पार्ट कर सकते हैं, नोसी रिसेप्टर, इतना देखे नहीं है, बस हम बता दें मतलब फार पेनफुल इंजरी हो जाए बहुत तेजी से, फार पेनफुल इंजरी स्टिमुलस, ये पूरा सेपरेट कर देगा पूरे मतलब कि स्किन पे सेपरेट आवर, हाल पूरा नहीं पेन होता कभी कभी, और इसकी वजह से होता है, इसमें मतलब जब तेजी से चोट लग जाएगा बहुत, हाँ पेनफुल इंजरी ब्रूजिंग होगा, हाँ बहुत तेजी से, तो मतलब सेपरेट पूरे स्किन पे दर्द होता है ना, तो वही है तो तो ब्रूज की बात उसके, कर रहे हो ना हाँ आप, जो ब्लू ब्लू हो जाता है। हो जाएगा वो तो, मतलब कलर चेंज हो कर रहे हैं ना आप, इस ग्राफ में हमें दो और लिखना, मम्मी पापा कहीं गए हैं क्या, आप नहीं सर, क्यों? ही तो बोल रहे हैं मम्मी का फोन आ गया, नहीं, वो ऐसे में पूछ रही थी कि खाने में क्या चाहिए। अच्छा फोन करके, हाँ अरे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पैसे नियन रिसेप्ट कार्पोस्टल नाम लिख देते हैं, और एक रियो रिसेप्टर होता है लास्ट, इतने स्किन में होते हैं, सबका काम अलग अलग है, ठीक। पैसेनियो का काम क्या है, वही प्रेशर रिसेप्टर होता है, नाम से लग रहा है, ठीक है। और ये डर्मिस में ही रहता है, मतलब डीप प्रेशर होता है, वाइब्रेशन होता है तब डर्मिस, डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशन, ठीक है, मतलब कि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा रहे। और रियो रिसेप्टर हमने लिखा था ना, वाटर करंट, और बेसिकली देखा जाए फाउंड इन लेटरल लाइन ऑर्गन ऑफ फिश टैडपोल में ही पाया जाता है ये ज्यादा, फाइंड लेटरल ऑर्गन ऑफ फिशेस टैडपोल, तो ये एक तरह से हम लोग क्या हो गया स्किन वाला रिसेप्टर, ठीक है। तो इसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कौन, स्मेल का, ठीक समझ रहे हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बेसिकली क्या काम करता है, वेलकम। स्मेल का काम करता है, फार स्मेल,
और कैसे चलेगा फाउंड टाइम पे, इन सबसे अच्छा किसका डेवलप होता है? डॉक्स का। आप नेजल चैम्बर में होता है ना, और ये अगर देखा जाए ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और फैक्ट्री एपिथेलियम, और इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को आप सेनेडेरियन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, लिखना सेनेडेरियन मेम्ब्रेन, डेरियन मेम्ब्रेन। ठीक, और बेसिकली ये कॉलोमलर सेल का बना होता है। ठीक है, अगर मतलब ओरिजिन देखा जाए, कॉलोमलर, जब टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पे लिखेंगे। और ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, जो स्टेटिफाइड, स्यूडो स्टेटिफाइड यानी कि इपिथिलियम। मतलब फॉल्स लेयर होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स हो गया, स्टेटी मतलब लेयर होता है, फॉल्स लेयर। और ग्लैंड ड्यूलर एंड सेंसरी फोर टाइप्स ऑफ सेल आर फाउंड इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में। फोर टाइप के सेल इसमें बनेंगे, जैसे कौन कौन से फोर टाइप के सेल हैं कि एक तो ऑल्फैक्टरी सेल हो गया। ठीक, से लिखते ऑल्फैक्टरी सेल, दूसरा सस्पेंसरी सेल या सपोर्टिंग सेल कह सकते हैं, लो उसको सपोर्ट करेगा, सपोर्टिंग सेल हल जाए। बेसल सेल होता है, एक तरह से टिश्यू वाले चैप्टर में ले जाएगा। म्यूकस हो गया, जो सिक्रेट करेगा कुछ भी, तीन तरह से। ऑल्फैक्टरी मतलब स्पेंडल शेप होता है, शेप वगैरह नहीं पूछा जाता, लिखने काम आता है कभी कभी। मॉडिफाइड बाय बाइपोलर न्यूरॉन फाइड बाय पोलर न्यूरॉन, बाइपोलर ये सब मल्टीपोलर पढ़ चुके हैं। लाइफ 2 मंथ होता है इसका, फिर से रिजनरेट हो जाता है। कीमो रिसेप्टर होगा, बेसल सेल में स्मेल एप इस्तेमाल कह सकते हैं, गिव राइज टू, कोई इसमें लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, राइज टू ऑल्फैक्टरी सेल बेस में होगा। म्यूकस में बाउमेन का ग्लैंड होता है, जानी नहीं सिक्रेशन का काम करेगा, मैंने ग्लैंड पाया जाएगा एंड सिक्रेशन म्यूकस, म्यूकस सिक्रेट करेगा बस।
और ऑल्फैक्टी एडाप्टेशन फैटिग्यू इजीली हो जाता है, इसलिए हम जब कभी नया स्मेल मिलता है तो हमें डिटेक्ट होता है उसको, क्या होता है, खत्म हो जाता है। नहीं, जैसे आप परफ्यूम लगाएंगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि नया कोई आएगा आपके पास तो बताएगा आप क्या लगाए, परफ्यूम लगाए या कुछ, क्योंकि सेल बहुत जल्दी फैटिग्यू हो जाते हैं। ऑल्फैक्टरी सेल। अच्छा, तभी तभी कभी कभी, कभी ऐसी बदबू लेते हैं बैठ को बहुत टाइम के लिए। हाँ, तो उसको तो नहीं पता चलता है, ठीक है, जो उसका तो इसमें फैटिग्यू इजली, तो दूसरा जब नया आएगा उसको पता चल जाएगा। जैसे आप रूम में हैं वही स्मेल आ रहा है, आप बहुत देर से हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बाहर से आएगा तो कहेगा स्मेल आ रहा है कुछ, ठीक है, तो इसलिए होता है ये। तो अगर देखा जाए तो हम लोग कर लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, इसमें लगे थोड़ा सा टाइम दे देंगे, गैस्ट्रो का बता दे रहे हैं, मतलब कि है नहीं, बस हम लोग फिर आई और ईयर करेंगे, ठीक है, दो हमारे पास सिलेबस में है, गैस्ट्रो रिसेप्टर, गैस्ट्रो रिसेप्टर मतलब टेस्ट बड, टेस्ट रिसेप्टर जो जीभ में मतलब होता है, ठीक, और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं, आप जान ही रहे हैं, उसका पोजीशन केवल जानना है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं, चैप्टर हट गया, उसमें था ये सारा, ठीक, इसलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, पैपले ऑन टांग होते हैं, पैपली होता है वही, मतलब मेनली पैपली कैसा, इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, फिर हम लोग टेस्ट बड, और पैपी ला बोलते हैं, कह सकते हैं आल्सो प्रेजेंट ऑन सॉफ्ट प्लेट एंड इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस पे आप जानते हैं फोर टेस्ट बड होते हैं, फोर बेसिक टेस्ट होता है, चार बेसिक टेस्ट है, ठीक है, और जीभ के अलग अलग पोजीशन पे, या तो एक में बना लीजिए या तो अलग अलग बना देते हैं। जैसे सबसे आगे वाला जीभ क्या पार्ट क्या होता है, एकदम आगे वाला, ये मीठा, सबका आकार अलग अलग होता है, उतने नहीं हम बता रहे हैं, स्वीट डिटेक्ट करता है, स्वीट में शुगर डेक्सटर वगैरह देखने की जरूरत नहीं आप जाने में। और दूसरा पोर्शन जीव का ऐसा किनारे वाला पार्ट, यहाँ हम फिगर रख देंगे तो देख लीजिएगा बाद में, तो इसमें साल्टी वाला, साल्टी, ठीक, और ये वाला पोर्शन, शोर वाला रहता है, ठीक, एसिड वगैरह, और अगर देखा जाए एकदम पीछे जाइए बैक में तो तीखा रहता है, और सर, जो वो मीठी बाइटर, लगती है वो तो उससे होता है ना, पेन से। हाँ, हाँ ये बाइटर वाला पीछे रहता है, कॉफी ड्रॉप्स, हाँ वो मिर्ची पेन से होने लगता है, सही बता रहे हैं, इसमें जैसे एग्जांपल लिख सकते तो हैं लोगों को पता कैसे लगता है मीठा सामने से लगता है और खट्टा साइड से इसको लगता है? इसको कोई भी जल्दी निगलेक्ट भी कर रहे थे, कोई साइंटिस्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन मतलब
कि होता है, हमें लगता है चेक चेक करके, और क्या, कैफीन हो गया, ड्रग्स हो गया ठीक मतलब अगर मैंने चीनी बीच में रख दी अपने जीभ के तो मुझे कुछ फील नहीं होगा? है। नहीं, अब उतना थोड़ा फैल जाता है ना, जब घुल जाता है तो पता ही चल जाएगा, लेकिन मतलब मेनली आगे ही होता है। अब ऐसा चेक करना पड़े जो डिजॉल्व ना हो, जल्दी से फैले ना, तभी तो ध्यान रखना है। चलिए फिर हम लोग फोटो रिसेप्टर करेंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ तक फोटो रिसेप्टर में है, हमारे पास आई है और ईयर है।